सो हेलो क्लास अगेन, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे और उसे एक्सप्लेन करके पूरा हम लेसन समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर एम्पल बुक एंड ओपन चैप्टर फर्स्ट। आई थैंक यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड वन बाय वन वर्ड्स, हाउ टू प्रोनाउंस एवरी वर्ड। ओके, सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक वर्ड को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या होगा ये समझेंगे, ठीक। उसके बाद हम पूरी जो पोएम है उसे रीड करेंगे। ओके, सो टी एच ए एन के थैंक, वाई ओ यू यू, जी ओ डी गॉड, एफ ओ आर फॉर, टी एच ई डी, डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड, एस ओ सो, S W E T स्वीट। फिर देखिए ये तीनों वही है ना वर्ड्स, थैंक यू गॉड फॉर दी, F O D फूड, W E V E A T ईट, थैंक यू गॉड फॉर दी, B I R D S बर्ड्स, T H A T दैट, S I N G सिंग, थैंक यू गॉड फॉर ई वी ई आर वाई एफ डी टी एच आई एन जी थिंग एवरीथिंग टी सॉरी ये तो ही रहेगा, थैंक यू गॉड फॉर दी एस एल डबल ई पी स्लीप, आई एन इन एन आई जी एच टी नाइट, थैंक यू गॉड फॉर दी जी ओ एल डी ई एन गोल्डन, L I G H T light, thank you God for the C L E A R clear, D A Y day, P A N E S pains, thank you God for the S I N G I N G singing, R A I N S rains, thank you God for the F L O W E R S flowers, A N D and S P R I N G spring, S E S S E N S E S senses, क्या पढ़ेंगे senses, T O 2 F E L feel, A N D and L I P S lips, T O 2 S I N G sing, thank you God for the P E A C E peace, P H E Y day, B R I N G bring, thank you God for E V E R Y T H I N G, हमने ऊपर पढ़ा था ना, देखिए यहाँ पे तो क्या कहेंगे everything। ओके, तो वन बाय वन हमने सारे वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ रीड किया एंड कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी जान लिया। ओके, अब हम पोएम को रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। थैंक यू गॉड फॉर वर्ड्स सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर द स्लीपिंग नाइट, थैंक यू गॉड फॉर द गोल्डन लाइट, थैंक यू गॉड फॉर द क्लियर डेज, थैंक यू गॉड फॉर सिंगिंग रेन्स, थैंक यू गॉड फॉर फ्लावर्स एंड स्प्रिंग्स, सेंसेस टू फील एंड लिप्स टू सिंग, थैंक यू गॉड फॉर पीस दे ब्रिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। So yes, we can say the poem. The poem is that which we can sing. कविता वही होती है जिसे हम sing करते हैं यानी कि गा भी सकते हैं। Okay? अब हम इसकी हिंदी meaning पूरी देखते हैं one by one. Okay? So first stanza की first line. Okay? Thank you God for world so sweet. और क्योंकि ये एक prayer है, क्योंकि देखिए दो बच्चे यहाँ खड़े हैं, morning का time है, उन्होंने अपने हाथ को जोड़ा हुआ है, तो यानी कि एक प्रेयर भी है। ओके, पोयम तो है बट प्रेयर भी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, थैंक यू गॉड फॉर दी वर्ल्ड सो स्वीट, कि भगवान जी दुनिया जो इतनी अच्छी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर फूड वी ईट, और ये कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, तो उसके लिए भी वो भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं।
थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, और वो बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं भगवान जी को, जो चिड़िया है उसको गाती है, क्यों, क्योंकि भगवान जी की वजह से तो गाती है, वो एक नेचुरल थिंग है ना, वो ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते हैं, मैन मेड थिंग नहीं है ना, वो एक नेचुरल थिंग है जिसे भगवान जी बना सकते हैं, ओके। तो इस वजह से बच्चे बोल रहे हैं थैंक यू गॉड फॉर दी बर्ड्स दैट सिंग, जो चिड़िया रोज सुबह सुबह चहचहाती है, गाती है, कोयल गाती है ना, तो उसके लिए वो उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और फिर वो लास्ट में कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, थैंक यू गॉड फॉर दी स्लीपिंग नाइट। ये बच्चे कहते हैं कि हम जब रात में आराम से सो पाते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गॉड फॉर दी गोल्डन लाइट। और रात के बाद जब सवेरा होता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है जिसमें हम आराम से अपने सारे काम कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गॉड फॉर दी क्लियर डे पेंस। और जो दिन के तीनों चारों सेक्शंस होते हैं ना वन बाय वन, उनके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया दे रहे हैं भगवान जी को, थैंक यू गॉड फॉर दी सिंगिंग रेन्स। और जब बारिश होती है ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे बारिश की बूंदें कुछ गाना गा रही हैं, है ना, हमें बारिश के टाइम में डांस भी करने का मन करता है। तो इस वजह से बच्चे कह रहे हैं कि जो बारिश होती है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गॉड फॉर दी फ्लावर्स एंड स्प्रिंग। जब बसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, बसंत, है ना, जो फरवरी की मार्च अप्रैल में आता है ना, मार्च अप्रैल के टाइम में, उसे हम बोलते हैं वसंत। तो वसंत के टाइम में देखो सारे जो पौधे होते हैं ना उसके पत्ते झड़ चुके होते हैं, नए नए सारे पौधों के पत्ते निकल रहे होते हैं और ढेर सारे फूल खिलते हैं। तो स्प्रिंग एंड फ्लावर्स के लिए भी बच्चे उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। सेंसेस टू फील एंड लिप्स टू सिंग, और हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स है ना, सेंस उसमें सेंस भी एक है। तो वो उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं कि हम सेंसेस टू फील, हम जिससे फील कर पाते हैं, एंड लिप्स टू सिंग, और जिसकी वजह से हम गाना भी गा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू गॉड फॉर द पीस दे ब्रिंग, और ये सारी चीज़ें जो हमें पीस देती हैं, शांति देती हैं, उसके लिए भी बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और फिर से वो एक बार कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी चीज़ों के लिए आपका। किसको थैंक यू बोल रहे हैं बच्चे, भगवान जी को। सो यस, हमें भगवान जी का डेली धन्यवाद करना चाहिए। जब सुबह आप लोग उठते हो ना तो हमें डेली मॉर्निंग प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए 2 मिनट के लिए, और उसमें भगवान जी को हर एक चीज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, नेफ्यूज़ के लिए, अपनी कंट्री के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होना चाहिए, यानी कि हमें बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानना चाहिए खुद को, और भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए, ओके। सो इस लेसन से हमने क्या सीखा कि हमें डेली जैसे हम स्कूल में प्रेयर करते हैं वैसे ही हमें डेली भगवान जी का, हमें भगवान जी का ध्यान करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, और अपनी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, ओके। तो अब हम वर्ड मीनिंग्स पे देखते हैं, फोकस करते हैं। देखिए फर्स्ट इज गोल्डन लाइट। गोल्डन लाइट मीन्स नेचुरल लाइट ऑफ द डे। गोल्डन लाइट का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल लाइट होती है, जो दिन के टाइम में जो रोशनी होती है ना नेचुरल, वो प्राकृतिक होती है। तो दिन के टाइम में जो प्राकृतिक रोशनी होती है उसे ही हम यहाँ पे कहा गया है गोल्डन लाइट, या हम कह सकते हैं गोल्डन लाइट, ओके। डे पेंस सेक्शन ऑफ द डेज, जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, सुबह मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, है ना, तो इन सबको क्या कहते हैं, सेक्शन ऑफ द डेज। और अगर हम एक वर्ड चुने उसके लिए तो हम क्या कहेंगे, डे पेंस, ओके। सेंसेस मीन्स सेंस ऑर्गन्स, मैंने बताया ना 6 ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से जो सेंस ऑर्गन होता है यानी जिससे हमें सूंघने की शक्ति प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स या सेंसेस, ओके। पीस, पीस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग काम, CLAM, क्लैम मत पढ़ना आप इसको, काम हम बोलते हैं ना, काम डाउन यानी शांत हो जाओ। तो शांति की जो मुद्रा होती है यानी कि शांति का जो एक एहसास होता है उस एहसास को हम क्या कहते हैं, पीस। पीस मीन्स भी शांति होती है, और बींग इन अ सॉरी द स्टेट ऑफ बींग क्लैम यानी कि बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली पीस, उसे ही हम पीस कहते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने इसकी पूरी रीडिंग कर ली, पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया, और वर्ड मीनिंग भी समझ लिया है। मे बी अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मत रखना कन्फ्यूजन, हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, ओके। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो टर्न योर फेस
एक्सरसाइज नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ये सारे आपके क्वेश्चंस एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है. तो यहाँ मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो चलिए देखते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड थैंक डैश फॉर एवरीथिंग. यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, देर आर टू ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. सो इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गॉड के बारे में ना. तो हमें किसका साथ शुक्रिया अदा करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए? गॉड का, यानी कि भगवान का. तो इस पर आप टिक कर दो. ओके, सेकेंड वन इज गॉड हैज मेड द वर्ल्ड सो डैश. जो भगवान जी हैं उन्होंने दुनिया को कैसा बनाया है? फर्स्ट इज स्वीट, सेकेंड इज क्रूअल. बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा या क्रूअल, निर्दयी, 100% स्वीट बनाया उन्होंने ना. तो इस पर टिक कर दो. थर्ड वन इज गॉड गिव्स अस डैश टू ईट. भगवान जी ने हमें खाने के लिए क्या दिया है? फूड और रेन. क्या आप बारिश खाते हो? अरे नहीं, बारिश में तो हम नहाते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फूड हम खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं ना. तो इस पर टिक कर दो. ओके, फोर्थ मीन्स पेन्स राइम्स विद. अब राइम मीन्स क्या होता है? जब कोई दो वर्ड्स बोलते टाइम लास्ट का जो उनका प्रोनंसिएशन होता है, यानी कि उनकी जो वोकैबुलरी उच्चारण जो होता है, हाँ, वो जब सेम हो ना, तो उसे हम कहते हैं राइमिंग. जैसे कि पेंस रेंस, पेंस रेंस, पेंस डेज, डेज से नहीं मैच हो रहा है. ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. ये शायद मैंने गलत लगा दिया, सॉरी. इस पर रेंस पे टिक करो. ओके, पेंस राइम्स विद रेंस, पेंस रेंस. देखो बोलने में कितना लग रहा है ना, तो आप रेंस पे टिक कर दो. फिफ्थ इज गॉड हैज गिवन अस डैश टू सिंग. भगवान जी ने हमें गाने के लिए क्या दिया है? ईयर्स और लिप्स. कान से गाते हैं या ऊँटों से? ऑफ कोर्स ऊँटों से गाते हैं. टिक कर दो इस पे. ओके, सो फर्स्ट वन इज डन. बी राइट थ्री थिंग्स यू शुड थैंक फॉर. थैंक गॉड, थैंक यू गॉड फॉर. तो यहाँ पे तीन ऐसे रीजंस आपको लिखनी है जिसके लिए आप भगवान जी को अपने भाग्य के लिए, अपनी चीज़ों के लिए शुक्रिया कह सकते हो. सो फर्स्ट वी कैन राइट दैट फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके लिए थैंक यू. बर्ड्स दैट सिंग, जो चिड़िया गाती है उसके लिए थैंक यू. एंड वर्ल्ड सो स्वीट, और ये दुनिया जो इतनी अच्छी है उसके लिए थैंक यू. तो देयर आर थ्री रीजंस दैट वी कैन राइट हियर. ओके, ये तीन रीजंस हम लिख सकते हैं ना. सो फास्टली आप इसको अपने बुक में राइट कर लो. अगर आपने राइट किया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. ओके, सी टिक दी थिंग्स दैट गॉड हैज गिवन अस. यहाँ देखिए 10 ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी भगवान जी ने दी हैं या नहीं दी हैं. हमें उनमें से केवल उन चीज़ों पर टिक करना है जो भगवान जी ने हमें दी हैं. फ्रूट्स यस, सेंसेस यस, वाटर यस, पॉल्यूशन. क्या पॉल्यूशन भगवान जी ने दिया है? नो, ये तो हमने पैदा किया ना, हमने खुद ये काम खराब किया है, तो इस पर टिक नहीं करेंगे. इवन थॉट्स, बुरे थॉट्स भगवान जी ने हमें दिए हैं? नहीं, वो तो केवल अच्छे थॉट्स देते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए कहते हैं, तो हम इस पर भी टिक नहीं करेंगे. गुड थॉट्स यस, ये भगवान जी ने दिए हैं, इस पर टिक करिए. लव यस, हेट नो, केयर यस, इंसल्ट नो. सो देयर आर ओनली 6 ऑप्शंस आर राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फ्रूट, सेंसेस, वाटर, गुड थॉट्स, लव एंड केयर. दीज ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस बाय गॉड. ओके, भगवान जी ने ये सारी चीज़ें हमें दी हैं. डी आंसर दीज क्वेश्चन बाई फिलिंग द ब्लैंक्स. और अब जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं, लेकिन कैसे? बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में देने हैं. केवल एक या दो ऐसे करके आप लोगों को फिल करना है, बस आपका आंसर इज रेडी, आपका आंसर रेडी हो जाएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज शुड वी थैंक गॉड फॉर ईटिंग फूड. क्या हमें जो खाना खाते हैं उसके लिए भगवान जी को शुक्रिया कहना चाहिए? आंसर यहाँ पे आप लिखोगे यस, ऑफकोर्स हमें होना चाहिए ना, हमें थैंक यू बोलना चाहिए. वी शुड थैंक गॉड बिफोर ईटिंग फूड, कि हम जब भी खाना खाते हैं उसके लिए हमें भगवान जी को शुक्रिया कहना चाहिए. सेकेंड इज हैज गॉड गिवन अस एवरीथिंग. क्या भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया है, यानी जो भी कुछ हमारे पास है क्या वो भगवान जी ने दिया है? आंसर इज यस, गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया है. थर्ड इज वॉय हैज गॉड गिवन अस सेंसेस. सो योर आंसर इज God has given us senses to feel. भगवान जी ने हमें senses दिए हैं
महसूस करने के लिए किसी चीज को, ओके। तो ये ए बी सी एंड डी ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। ओके, लर्न एंड स्पीक। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। हियर आर जसविंदर, जमाल, जतिन एंड जैकब। दे आर फास्ट फ्रेंड्स, द फोर जेज। ये देखिए चार बच्चे हैं जिनके नाम जे से शुरू होते हैं। क्या क्या नाम है? जसविंदर, जमाल, जतिन एंड जैकब। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग। अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वेयर आर दे प्रेइंग, वो कहाँ पे प्रे कर रहे हैं? देखो ध्यान से देखो कहाँ प्रे कर रहे हैं। वो चारों किसी ना किसी धार्मिक स्थान यानी होली प्लेस पे प्रे कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ? ये देखिए, ये गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, ये है मंदिर एंड ये है चर्च, ओके। तो ये सब अपने अपने शायद धर्म के हिसाब से धार्मिक स्थानों पे क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं। Whom they are praying to, और वो किससे प्रे कर रहे हैं? भगवान से, है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन से हम ये समझ सकते हैं कि आपका कास्ट कोई भी हो, आप किसी भी धर्म के हो, कहीं पे भी प्रे कर रहे हो, लेकिन वो सब प्रे किससे कर रहे हैं? एक ही से ना, भगवान तो एक ही है। फिर चाहे उसे रब जी कहें, उसे अल्लाह कहें, उसे राम कहें या उसे गॉड कहें, ईसा मसीह, ठीक है, वो सब प्रे तो एक ही से कर रहे हैं यानी गॉड से, ओके। तो हमने इससे क्या सीखा? हम अलग अलग जगहों पे जाके प्रे तो करते हैं, लेकिन हम प्रे किससे करते हैं? एक ही से यानी गॉड से, ओके। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज स्किल। फिल ए एन और दी बिफोर दी फॉलोइंग नाउंस। अब हमें पहले ये जानना होगा ए एन दी इनका यूज होता कहाँ है। ए का यूज होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम ए लगाते हैं। एन लगाते हैं हम वॉवेल्स के पहले, एंड दी लगाते हैं हम होली बुक्स, होली प्लेसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, या फिर कह सकते हैं नदियों के नाम के आगे, बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम के आगे, या फिर जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, ठीक, उनके लिए हम दी लगाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ लिख देंगे अ यूनिकॉर्न, क्योंकि यू है ना कॉन्सोनेंट। अ मैन, अ चाइल्ड, दिस सन, सन क्या है? अनकाउंटेबल है ना, और बहुत ही बड़ा है, ये यूनिवर्सल है एकदम ना, इसलिए। द इंडियन ओशन, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब जगह का नाम है ना, इस वजह से यहाँ दी लगाएंगे। अ क्लॉक, अ बर्ड, क्लॉक, सी फॉर क्लॉक, बी फॉर बर्ड, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए ए लगाए, ठीक। दी रामायण, ये होली बुक है ना, इसलिए धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले भी हम दी लगाते हैं, ठीक। एन आयरन, आयरन देखिए आई क्या है? वॉवेल, इसलिए एन लगा। अ वुमेन, द स्टार्स, अनकाउंटेबल है ना ये, ओके। एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड वो देखिए क्या है? वॉवेल है। द स्काई, अनकाउंटेबल है ना, द लग गया इसलिए। द यमुना, मैंने बताया ना होली रिवर्स के नाम के पहले हम लगाते हैं। एन आउल, आउल में देखिए क्या है? वो है एन, एन एप्पल, और अब देखिए एप्पल में ए, तो ये दोनों क्या है? वॉवेल्स हैं, ओके। तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया एंड 100% आपको समझ में भी आया होगा, ओके। लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं इस लेसन के, हमने क्या क्या सीखा है इस लेसन से, ओके। सो देखते हैं क्या सीखा। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, अब आप ये समझने के लायक हो गए हैं या समझने के योग्य हो गए हैं। गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस, कि हम सबको किसने बनाया है? भगवान जी ने। और भगवान जी किसी भी धर्म के हों, किसी भी रूप के हों, होते वो एक ही हैं, ठीक है, ये हमने इस लेसन से सीखा है, ओके। सेकेंड थिंग जो हमने सीखी है, वी ऑल शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, हमें हर एक चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छी चीज़ें हमें मिली हैं, उन सब के लिए हमें भगवान जी का ज़रूर से ज़रूर शुक्रिया करना चाहिए। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स, और ए का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं उनके लिए होता है। एंड एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड वर्ड्स, और एन कहाँ होता है? जहाँ पे वॉवेल वॉवेल्स के वर्ड्स आते हैं वहाँ पे हम एन यूज करते हैं, ओके। सो ये लेसन हमने पूरा फिनिश कर लिया है एंड होप यू ऑल हैड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, ओके। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय किड्स।